हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स चमत्कारी अंडा। हवलदार बहादुर और चमत्कारी अंडा, चित्रांकन वेदी और लेखक विनय प्रभाकर। एक सुबह थाने में, सर आपने मुझे याद किया। हाँ हवलदार बहादुर, आज से मैं तुम्हारी ड्यूटी सदर रोड पर बने पुलिस बीट बॉक्स पर लगा रहा हूँ। सिपाही रामधन भी तुम्हारे साथ रहेगा। पहली बार अकलमंदी का काम किया है खटक सिंह ने। बीट बॉक्स में तो बस आराम ही आराम होगा। ठीक है जी, ही करके खुश होने की जरूरत नहीं है। सदर क्षेत्र में खूंखार सिंह नामक एक बदमाश ने उत्पात मचाया हुआ है, तो मैं उसे काबू करना होगा। फिकर नॉट सर, माय नेम इज हवलदार बहादुर सिंह। कोई खूंखार सिंह मेरे सामने रुक नहीं सकता। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। अच्छा ठीक है, रामधन को लेकर तुरंत बीट बॉक्स पर पहुंच जाओ कुछ देर बाद। तो वो है हमारे लिए बनाया गया बीट बॉक्स। हाँ सर, मैंने सुना है कि हम दोनों की ड्यूटी यहाँ कम से कम 15 दिन रहेगी। ये तो अच्छी खबर है रामधन। 15 दिन तक हम उस खुर्रा खटक सिंह के खड़पच्चे से बचे रहेंगे। जा तू एक राउंड लगा कर आ जा, मैं ज़रा बैठता हूँ। ओके सर। भुट्टा खिलाऊँ सरकार? नहीं, भुट्टा अच्छी चीज़ नहीं होती। फिर अचानक, अबे ओए, तू पुलिस बीट बॉक्स के निकट बैठकर भुट्टे क्यों घूम रहा? जानता नहीं फुटपाथ पर रास्ता रोककर बैठना गैर कानूनी है? इस क्षेत्र में और भी तो गैर कानूनी काम होते हैं साहब। फिर मैं तो कई वर्षों से इसी स्थान पर ठिया लगाता आ रहा हूँ। पुलिस से जवान लड़ाता है? हवालात में बंद करके बस आले। चल उठा अपना टीम टाम। क्या करते हो साहब? अबे मैं बड़ा कड़ा हवलदार हूँ, अब इस इलाके में कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। एक एक को देख लूंगा मैं। छोड़ दीजिए साहब। भुट्टे वाले की दुर्गति होते देख छोले वाले ने अपना कुमचा उठाया और दौड़ लिया। देखा मेरा राव कैसे भागा जा रहा है। ठीक है साहब, छोड़ दीजिए, मैं भी भाग लेता हूँ। तो जा भाग और इलाके में सबको बता दियो कि हवलदार बहादुर सिंह की ड्यूटी लगी है। यहाँ कोई भी फुटपाथ पर दुकान लगाए नजर आ गया तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा उसे। अच्छा जी। इधर हवलदार बहादुर गरीब भुट्टे वाले पर रौब झाड़ रहे थे और उधर बाजार की एक दुकान पर खूंखार सिंह अपना हफ्ता वसूल कर रहा था। पैसा निकाल बे। शाम को ले लेना खूंखार सिंह जी, अभी तो बोनी भी नहीं हुई। अबे तेरी बोनी की तो। गंदी गालियां बकते हुए खूंखार सिंह ने दुकानदार की गर्दन दबोच ली। निकाल पैसे। ये क्या करते हो? चुप, अब ये सब मेरे हो गए, एक भी वापस नहीं मिलेगा। अरे कोई बचाओ मुझे, पुलिस को फोन करो। लुट गया, बर्बाद हो गया है। हवलदार बहादुर के हाथों पिटा हुआ भुट्टे वाला उधर से गुजरा। क्या हुआ लाला जी? खूंखार सिंह लूट ले गया भैया, पूरे 1000 रुपए थे। घबराओ नहीं लाला, इलाके में एक बहुत कड़क पुलिस हवलदार आया है। बाहर जो लकड़ी का खोखा लगाया ना, वहीं बैठा है, उनसे जाकर शिकायत करो। अच्छा जाता हूँ। हवलदार अपने बूथ में पसरे पड़े थे। बलमा सिपहिया मोरा, बलमा सिपहिया। हवलदार जी बचाओ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कौन है भाई? क्या है साहब? खूंखार सिंह ना लूट लिया, मैं रकम छीन कर ले गया हमारी। क्या हमारे होते हुए लूट पार? लूट मार, खटिया खड़ी कर दूंगा खूंखार सिंह की। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। तो फिर चलिए हमारे साथ। चलो आज उस खूंखार सिंह की सारी चर्बी निकाल दूंगा मैं। आ दादा के दारू खाने पर गया होगा साहब, वहीं बैठकर दारू पीता है। थोड़ी देर बाद, ओए यार खूंखार सिंह कौन है? ये कोई नया कुक्कड़ आया है। पिस पिस इधर। अबे ओए बदतमीज, ये क्या तरीका हुआ बुलाने का? फिस फिस का क्या मतलब? बैठ जाओ हवलदार, तू खड़ा हो जा पहले। मेरा नाम हवलदार बहादुर है। बदतमीज आदमी को हवालात में बंद करके सड़ा देता हूँ मैं। नए आए हो इस इलाके में? खटाक। अरे बाप रे, रामपुरी चाकू। बैठ जा नीचे। बैठता हूँ। अब बोल क्या कहना है। मेरा ही नाम खूंखार सिंह है। तेरे से पहले जो पुलिसिया था ना यहाँ, उसका थोबड़ा बिगाड़ दिया था मैंने। हे, उसने आपकी शान में गुस्ताखी की होगी जी, मैं तो बस आपके दर्शन करने आया हूँ। कर ले दर्शन, और ये भी कान खोल कर सुन ले, पुलिस का अपन पर बिल्कुल रौब नहीं चलता। जेल को हम ससुराल समझते हैं, और जो हमें एक बार जेल पहुंचाता है वापस आकर उसकी तंगड़ी तोड़ डालते हैं हम। अब बहुत अच्छा करते हो जी, अब मैं चलूं? पोट जा, और कभी हमारे दर्शन पाने की इच्छा हो ना तो चलाइयो यहीं पर। ठीक है जी। बड़ा खूंखार बंदा है, अच्छा ही हुआ मैंने पंगा नहीं लिया, वरना रामपुरी पार कर देता, बेचारी चंपागली विधवा हो जाती। बाहर लाला प्रतीक्षा में खड़ा था। मेरी रकम ले आए बलदा जी। ओए चुप, खबरदार, जो खूंखार सिंह पर झूठा आरोप लगाया वो तो बड़ा शरीफ बंदा है, चल फूट यहाँ से। ये हवलदार को क्या हो गया? खूंखार सिंह जैसे बदमाश को शरीफ आदमी बताने लगा। खूंखार सिंह के सामने कोई हवलदार नहीं टिकता लाला, उसने छुरा दिखाया होगा और हवलदार की पैंट गीली हो गई होगी।
सिपाही रामधन राउंड लगाकर बूथ पर वापस आ चुका था। आप कहाँ चले गए थे साहब? एक बदमाश की खटिया खड़ी करने गया था। कौन था जी? कोई खूंखार सिंह था, मैंने चूहा सिंह बना दिया साले को। दो हाथ पड़े तो रोने लगा साला, कह रहा था अब बदमाशी छोड़ देगा। आपने खूंखार सिंह के दो हाथ मारे? कमाल कर दिया, हमने तो सुना था कि खूंखार सिंह पुलिस वालों को भी धन डालता। तेरे जैसे पुलिस वाले होंगे, हमारा नाम हवलदार बहादुर सिंह है, समझा? तभी ओए तो फिर आ गया। हड्डियां तोड़ दूंगा साले, बंद कर। जाने दो हवलदार जी, मैं खूंखार सिंह को 10 रुपये देकर आया हूँ यहाँ ठिया लगाने के लिए, अब मेरी रक्षा वही करेगा। खूंखार सिंह? हाँ, जो उसे हफ्ता देता है उसे तो कड़क से कड़क पुलिस वाला भी परेशान नहीं कर सकता, मैं तो अब यहीं बैठूंगा। ओह तो ये बात है, लगता है खूंखार सिंह अपने हवलदार साहब को झटका दे चुका है, तभी उसके नाम से इनकी गिग्गी बनी हुई है। इस बात की रिपोर्ट इंस्पेक्टर साहब को देनी होगी। अच्छा बैठ जा, गरीब आदमी को तो मैं वैसे भी नहीं सताता हूँ। उधर खूंखार सिंह को उसके चेले ने सूचना दी, उस्ताद एक बहुत बड़ी आसामी आज हमारे क्षेत्र में आ रही है। कैसी आसामी? हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी है उस्ताद, चौक पर धर्मचंद जौहरी की दुकान है ना, उसे ही हीरे बेचने आ रहा है, कई लाख के हीरे हैं, मुझे धर्मचंद के एक नौकर ने बताया है। कई लाख? अपने चमचे से हीरो के व्यापारी का पूरा हुलिया पूछने के बाद खूंखार सिंह तैयार हो चौक पर पहुंच गया। धर्म सिंह की दुकान के निकट ही उसकी प्रतीक्षा करूंगा, उसे अधिक देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी थी, यही है। सड़क के उसी छोर पर काबू कर लेता हूँ साले को। यह पिस्तौल है सेठ, कोई आवाज ना निकालना वरना गोली चल जाएगी। ओ उधर दाईं तरफ एक गली है सेठ, चुपचाप उधर चलो। वो मगर क्यों? मेरा नाम खूंखार है सेठ, सवाल पूछने वाले की गर्दन तोड़ देता हूँ, चुपचाप गली में चल। खूंखार सिंह के मामले में कोई भी व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ लोग देखकर भी अनदेखी कर गए। खूंखार सिंह किसी को लूटना चाहता है मुझे, मगर मुझे क्या, इस बदमाश के मामले में नहीं बोलूं तो ही फायदा है। गली बहुत सकरी और सुनसान थी। लाओ सेठ अब तुम वो हीर निकालो जो धर्मचंद के बेचने के लिए लाए थे। तो तुम्हारे पास पिस्तौल नहीं है? अबे तेरे जैसे कागजी आदमी को काबू करने के लिए तो खूंखार सिंह का एक हाथ ही बहुत है, पिस्तौल की धमकी तो इसलिए दी थी कि तू सड़क पर शोर ना मचाए। अब हीरा निकाल, इसी बॉक्स में है क्या? नहीं दूंगा, तेरा तो बाप भी देगा। सेठ की एक चीख सुनकर गली के एक मकान की खिड़की खुली। कौन है, क्या हो रहा है माँ? अरे चुप, मुंडी अंदर करके खिड़की बंद कर ले। युवक ने घबराकर खिड़की बंद कर ली। खूंखार सिंह है, किसी गरीब को लूट रहा है, उधर रोशनदान से झाँककर देखूं। उधर सेठ ने अपनी शक्ति जुटाकर खूंखार पर हमला कर दिया। था ये ले। खूंखार सिंह गुस्से से पागल हो गया। तेरी तो मैं आई। खूंखार सिंह पर उठने वाला हाथ तोड़ दिया जाता है सेठ। आई आई था। खूंखार सिंह ने नीचे गिरे हुए सेठ से ब्रीफकेस छीना तो उसने उसकी टांगे पकड़ ली। नहीं जाने दूंगा। अबे छोड़, उसने एक ठोकर मारी ठाक, मगर सेठ ने उसकी टांग नहीं छोड़ी। तू ऐसा नहीं मानेगा। खटाक और खचाक। आई कुछ क्षण तड़प कर सेठ शांत हो गया। मर गया साला, माल कितना हाथ लगा। ब्रीफ केस के अंदर रखा मखमल का डिब्बा हीरो से भरा हुआ था। वो मारा, ये तो पूरा जीवन ऐश करने का प्रबंध हो गया। मकान की खिड़की से झांकने वाले युवक ने छुपकर खून होते देखा था। खूंखार सिंह के भागने के बाद वह युवक पुलिस बूथ पर पहुंचा। हवलदार जी, हवलदार जी। क्या है बे, क्यों चिल्ला रहा है? वैदी खूंखार सिंह। क्या, खूंखार सिंह आ रहा है? आ नहीं रहा जी, खून करके भाग गया वहां गली में। खून? अरे बाप रे, खून कर दिया उसने, बड़ा खतरनाक बंदा है, हमें चलकर देखना चाहिए साहब। हाँ हाँ, जरूर देखना चाहिए, तुम जाकर देखो, मैं इंस्पेक्टर साहब को फोन करके आता हूँ। सूचना मिलते ही खड़क सिंह घटनास्थल पर पहुंच गया। हवलदार तुम यहाँ मौजूद थे, फिर भी एक बदमाश दिन दहाड़े खून करके भाग गया। मेरे सामने खून नहीं हुआ साहब। पूछताछ से पता चला कि मरने वाले के पास 5 लाख के हीरे थे। सब इंस्पेक्टर मादान, पुलिस वायरलेस पर खूंखार सिंह का हुलिया प्रसारित कर दो। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर निगाहें रखी जाएं। खूंखार सिंह शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यस सर। लाश उठवाने के बाद खड़क सिंह ने क्षेत्र के उन सभी जगहों पर खूंखार सिंह की तलाश आरंभ की जहां वह अक्सर देखा जाता था। सबसे पहले दादा के दारू खाने पर पुलिस ने धावा बोला। खूंखार सिंह कहाँ है? यहाँ तो नहीं है साहब। अबे ओए सच सच बता दे, सुबह को खूंखार सिंह यहीं था? हाँ जी था, मगर आपको डराकर भागने के बाद वह यहाँ से चला गया था।
क्या पकता है बे? खूंखार सिंह ने हवलदार को डराकर भगा दिया था क्या? हाँ साहब, उसका रामपुरी चाकू देखते इनकी गिग्गी बन गई थी और दादा ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। ये झूठ बोलता है साहब। चुप, तुमसे इस बारे में बाद में बात होगी। अच्छा दादा, कुछ बता सकते हो कि खूंखार सिंह कहाँ गया होगा? हमें कुछ नहीं पता साहब, वैसे भी पिछली गली के एक मकान में रहता है, शायद अपने घर ही गया हो। चलो उसके घर पर छापा मारना होगा। खूंखार सिंह के मकान को घेर लिया गया। तुम भीतर जाकर देखो हवलदार बहादुर। मैं? ये बकरी की तरह मैं क्या कर रहा हूँ? जाकर देखो। ये खुद क्यों नहीं जाता देखने? इंस्पेक्टर तो ये है, मुझे मरवाएगा। ठीक है जाता हूँ। हवलदार बहादुर दरवाजे पर पहुंचे। खूंखार भैया जरा बाहर तो आओ। उसे धोखा देने के लिए भैया कह रहा हूँ जी। भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला था। दरवाजा तोड़ दो। मैं? आप ही तोड़ दीजिए साहब। खटक सिंह ने उन्हें घूर कर देखा, फिर दूसरे सिपाहियों को दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। शीघ्र ही, जल्दी देखो भागने ना पाए। था यहाँ तो कोई नहीं है। वह खिड़की खुली है साहब, शायद वह हमें देखकर फरार हुआ है। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पीछा करते हैं उसका। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। पूरे क्षेत्र में खूंखार सिंह की तलाश शुरू हो गई। तुम ऊपर जाओ और तुम उधर देखो और मैं आपके साथ रहूंगा साहब। तभी, इंस्पेक्टर साहब, मैंने खूंखार सिंह को कब्रिस्तान की ओर भागकर जाते देखा है। उधर घना जंगल भी है, वहीं छुपने गया होगा। अच्छा। खड़क सिंह हवालदार बहादुर और दो सिपाहियों के साथ कब्रिस्तान की ओर रवाना हुआ। वह अवश्य कब्रिस्तान के पीछे जंगल में गया होगा। तुम दोनों कब्रिस्तान से होते हुए जंगल में पहुंचो और मैं दूसरी तरफ से घूम कर आता हूँ। और मैं साहब? तुम उस तरफ से जंगल में पहुंचो, हमें चारों तरफ से घेराबंदी करनी है। ठीक है साहब, मैं उधर से जाता हूँ। अगर खूंखार सिंह मिल गया तो इस डंडे से सिर फोड़ दूंगा साले का। लेकिन कब्रिस्तान के पीछे फैले जंगल में प्रवेश करते ही हवलदार की हवा खराब हो गई। बाप रे, यहाँ तो जानवर भी हो सकते हैं। तभी झाड़ियाँ हिल रही हैं। शेर वहाँ पलट कर भागना ही चाहते थे कि झाड़ियों में किसी के खांसने की आवाज़ उभरी। यहाँ तो कोई बंदा खांस रहा है, जरूर कोई चोर यहाँ छुपा हुआ है। कौन है भाई? वहाँ सामने आ जा वरना डंडे से ठोक दूंगा। वह जैसे ही निकट पहुंचे, मुझे पकड़ने आ तू? नहीं हुजूर, मैं तो जंगल में वे करने जा रहा था। झूठ बोलता है साले तेरा बाप, मैं यही निकाल देता हूँ। खटाक। अरे बाप रे रामपुरी, मैं मर जाऊंगा हुजूर। अतड़ियां बाहर कर दूंगा साले। माफ कर दो साहब, मेरी बीवी विधवा हो जाएगी। तभी ये क्या हो रहा है हवलदार? ओह साहब आ गए। खूंखार सिंह ने तुरंत हवलदार को दबोच लिया। वहीं रुक जाओ इंस्पेक्टर, वरना तुम्हारे हवलदार की मुंडी काट डालूंगा। साहब बचाओ। तुम कानून से बच नहीं सकते खूंखार सिंह, हवलदार को छोड़ दो। साहब ठीक कह रहे हैं, छोड़ दो मुझे। तुम मेरा रास्ता छोड़ दो इंस्पेक्टर। नहीं, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। कहकर उसने हवलदार को खटक सिंह पर धकेल दिया। था वो क्या करता है? उफ। और पलट कर झाड़ियों में घुस गया। था क्या करते हैं साहब, मेरे लग जाएगी। हटो, तुम्हारे कारण मैं बचकर निकल गया। मैंने क्या किया है साहब? गिरे आप खुद थे। शट अप, मैंने तुम्हें खूंखार सिंह के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते अपनी आंखों से देखा था। तुम्हें पुलिस वाला कहते हुए शर्म आती है? क्या बात करते हो साहब, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा था बल्कि उसका चाकू छीनने के लिए नाटक कर रहा था, मगर आपने आकर गड़बड़ कर दी। चुप, मैं तुम्हारे नाटक को अच्छी तरह समझता हूँ। नाक कटवा दी तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की, मैं तुम्हारी रिपोर्ट ऊपर भेजूंगा। इस बार तुम्हें नौकरी से निकलवा कर ही मुझे चैन आएगा। दफा हो जाओ यहाँ से। भगवान करे पेट फट जाए तेरा, मेरा दुश्मन बन गया जालिम कहीं का। हवलदार बहादुर मुंह लटकाए अपने घर पहुंचे। आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? खटक सिंह ने फिर सस्पेंड कर दिया मुझे। इस मुंडी कटे खटक सिंह को तुमसे क्या दुश्मनी है? महीने में दो बार सस्पेंड करता है, सत्यानाश हो जाए उसका। और कोस भगवान, इस बार तो उसने नौकरी से निकलवाने की धमकी दी है। बाप का राज है उसके, नौकरी से कैसे निकाल देगा? निकलवा सकता है भगवान, वह अफसर है। तभी राम राम बहन। ओ आज तो भाई साहब भी घर पर ही हैं। राम राम उषा बहन, आओ। नमस्ते। उषा उसके पड़ोस में रहती थी। किसे कोस रहे थे आप दोनों मिलकर? इनके अफसर को, मुंह इनका दुश्मन बना हुआ है, आए दिन सस्पेंड कर देता है। अफसर सारे एक जैसे ही होते हैं। मेरे उनका जो अफसर था वह भी बहुत खराब था, लेकिन अब तो मार फटकार बाबा की कृपा से वो बिल्कुल सीधा हो गया। मार फटकार बाबा? ये कौन है उषा? बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, तांत्रिक भी हैं, जिससे खुश आ जाते हैं उसकी सारी विपताएं दूर हो जाती हैं। सच? फिर तो हमें भी उनसे मिलवा दो। मैं उनका पता बता देती हूँ, भाई साहब खुद जाकर मिल लेंगे। मगर एक बात याद रखने की है, बाबा को हाथ चलाने की आदत है,
अपने भक्तों को लातों घूसों से मारते हैं, इसलिए उनका नाम मार फटकार बाबा पड़ा है। लेकिन जो उनकी मार फटकार सह लेता है उसके बिगड़े काम बन जाते हैं। अरे मार फटकार से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके साथ तो रोज ये होता है। हाँ जी, अगर वह करामाती बाबा है तो मैं मार फटकार भी सह लूँगा। तो आप उनके पास चले जाइए, गंदे नाले के किनारे पीपल का जो पुराना पेड़ है उसके नीचे ही बाबा बैठते हैं। शाम को हवलदार बहादुर मार फटकार बाबा से मिलने पहुँच गए। आए, ये तो तांत्रिक अमर जोकर ज़्यादा लगता है। प्रणाम बाबा। कान उल्लू का पट्टा है, लात मार दूंगा। फटकार लगा रहे हैं। मैं आपका भक्त हूँ बाबा, हवलदार बहादुर। मैंने बुरा नहीं माना बाबा, महापुरुषों का वचन है कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा भी उसके सामने कर दो, ये लीजिए। मर गया। बाबा ने ताक कर नाक पर घूसा मारा था। मार मार का भूसकर निकाल दूंगा तेरा। मेरी पूजा में मैं डाल दिया, क्या कहते हो उसे, अबे बोल, विघ्न। हाँ यही डाला तूने, तू आदमी नहीं है, जंगली सुअर है, गंदी आत्मा है। आप जो कहते हैं मैं वही हूँ, और जो नहीं कहते वो भी हूँ, बस मुझ पर अपनी कृपा कर दीजिए। ले फिर। अरे अरे। मार फटकार बाबा ने हवलदार बहादुर का होलिया बिगाड़ दिया। मार डाला बाबा, होलिका पट्टा। मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा बाबा। अबे ओ पूत के पूत, क्या चाहता है तू? आपकी कृपा बाबा, एक पाखंडी इंसान ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, मुझे उससे बचा लीजिए। कौन है वह? हवलदार ने खटा सिंह के विषय में बताया। अच्छा, तू अपने अफसर से दुखी है, गंदे कीड़े। ठीक है, मैं तेरी सहायता करूँगा, मगर कुछ दक्षिणा लाया? 501 रुपये से कम नहीं लेता मैं। लाया हूँ जी, उषा ने पहले ही बता दिया था, इसलिए वह रुपये साथ लाए थे। रुपये लेकर बाबा ने अपने बिछौने के नीचे रखे और फिर वहीं से एक अंडा निकाला। ले ये अंडा। अंडा अपने नीचे से निकाला है बाबा? बाबा ने उल्टा हाथ रसीद किया। मजाक करता हमसे? नहीं तो फिर सुन, काली मुर्गी ने अमावस की रात में शमशान के बीच लगे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ये अंडा दिया था। पेड़ पर रहने वाली प्रेतात्मा इस अंडे में बंद है, तू इसे ले जा। क्या खटक सिंह को इसका ऑमलेट खिलाना होगा बाबा? बीच में मत बोल, सड़े टंडे। ध्यान से सुन, कल भी अमावस की रात है, तू ये अंडा लेकर कब्रिस्तान चला जाइयो और वहाँ किसी पुरानी कब्र में इस अंडे को दबा दीजियो। आधी रात के समय जाना होगा। आधी रात कब्रिस्तान, पुरानी कब्र? डर मत पागल बच्चे, इस अंडे में बंद आत्मा तेरी रक्षा करेगी, कब्रिस्तान में तुझे डर नहीं लगेगा। अगर तूने ये अंडा पुरानी कब्र में दबा दिया तो तेरा अफसर हमेशा तेरे सामने सिर झुकाए रहेगा। ठीक है बाबा, एक बात और याद रखियो, कब्रिस्तान अकेले ही जाना होगा और कल तक इस अंडे की हिफाजत करनी होगी। अगर ये टूट गया तो प्रेतात्मा आजाद हो जाएगी और तेरी गर्दन तोड़ डालेगी। अब दबा हो जाए यहाँ से। अच्छा जी। हवलदार के जाने के बाद बड़ा मूर्खता, 501 रुपये, 501 देकर 90 पैसे का अंडा ले गया। बस रोज एक ऐसा मूर्ख फंसता रहे तो अपन को दारू और तंदूरी मुर्गी की कमी ना रहे। उधर ले पकड़ ये अंडा, शर्म नहीं आई एक अंडा लाते हुए, अकेले खाओगे क्या? बकवास ना कर, ये अंडा मार फटकार बाबा ने बहुत मुश्किल से दिया है। बाबा ने दिया अंडा? अगर बाबा यहाँ होते तो तेरी ही बंद कर देते, देख कितना मारा मुझे, आंखें भी नीली हो गई हैं। आंख को मारो गोली, ये बताओ बाबा ने क्या कहा? हवलदार ने बाबा से भेंट का हाल सुनाया और अंत में कहा, मगर मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊँगा, डर लगता है। पगला गए हो क्या? जय बाबा, जब बाबा का अंडा साथ होगा तो डर कैसा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगली रात 11 बजे के करीब हवलदार बहादुर डर से कांपते हुए कब्रिस्तान के निकट पहुंचे। अरे बाप रे, कितना भयानक दृश्य है। बाबा ने कहा था ये अंडा मेरी रक्षा करेगा, इसे हाथ में लेकर कब्रिस्तान में घुसता हूँ। दीवार फांद कर वह अंदर पहुंचे। ची ची ची, रक्षा करना राम जी, बड़ी भयानक आवाजें हैं। इतना अंधेरा है, पुरानी कब्र कैसे तलाश करूं? अचानक आई, क्या वाला थी ये पागलू। ओह, थोड़ा संभलने पर ये तो पुरानी कब्र है, यहीं दबा देता हूँ अंडा। तभी हे भगवान, ये आवाज कैसी है, जैसे कोई चल रहा है। पूतों का, वह उठकर भागे और निकट खड़े पेड़ के पीछे जा चुके। भूत, अब क्या करूं, ये तो कोई मुर्दा कब्र से उठकर आ रहा है, मेरी रक्षा करना अंडे जी। आए, ये तो कब्र में घुस रहा है। कुछ क्षण बाद भूत खड़ा हो गया और पेड़ की ओर बढ़ा। इधर आ रहा है। घबरा कर उन्होंने उसे अंडा ही फेंक कर मार दिया। फटा, फिर नीचे से एक पत्थर उठाकर मारा। आई, आए, भूत मर गया। कौन है भाई, ये कौन है? दोनों चौकीदार निकट आए तो लालटेन का प्रकाश नीचे गिरी हुई छाया पर पड़ा। ओ, ये कौन है? बेहोश है, सिर से खून भी निकल रहा है। अरे ये तो खूंखार सिंह है, कब्रिस्तान में क्या करने आया था? खूंखार सिंह बेहोश पड़ा था, इसलिए हवलदार ऐंठते हुए बाहर निकल आया। ओए, हट जा उसके पास से।
पुलिस आपने मारा इसे? हाँ, ये बहुत भयानक बदमाश है। ओ, ये बॉक्स कैसा है? फिर हवलदार ने उस बॉक्स को उठा लिया। उन्होंने बॉक्स खोला। हीरे? आप समझा, खुंखार सिंह ने हीरो का यह बॉक्स इस पुरानी कब्र में छुपा कर रख दिया था। अब यह हीरे निकालने आया था, मगर मैंने भूत के धोखे में पीट दिया साले को। ओए, तुम दोनों जरा कानून की मदद करो, इस बदमाश को मेरे साथ मिलकर थाने ले चलो। अच्छा जी, चलिए। खड़क सिंह नाइट ड्यूटी पर था। हवलदार ने दफ्तर में जाकर उसके सामने हीरो का बॉक्स रख दिया। सर, ये वह हीरे हैं और इनको चराने वाला कातिल और बदमाश बाहर बेहोश पड़ा है। हम उसे पकड़ लाए हैं, आप चलकर देख लीजिए। तो तुम खुंखार सिंह को पकड़ कर लाए हो? पाठकों, कितना हैरान हो रहा है ये। हैरान तो आज हम भी हैं। बाबा का अंडा सबसे चमत्कारी था, अब खड़ग सिंह का मुंह बंद हो जाएगा और हमारी बहादुरी का रौब भी इस पर पड़ेगा। वैसे सच्चाई क्या है आप लोग तो जानते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स, हवलदार बहादुर और जाली नोटों के व्यापारी में। तब तक के लिए धन्यवाद।